हमर वीडियो ला जोन जोन देखिन ते मन गई नौकर जा अच्छा मुंबई ले सिक्के ऐसा है ना 100 रुपया में पांच सामान मिलेगा 1 2 3 4 कंघी फंघी सब बस क्रीम पाउडर छोड़ के ना चाचा रिपोर्ट उपोर्ट किए कि नहीं थाना में ले दिखा दीजिए आज हमारे YouTube फैमिली के साथ ये गायब हो जाएगा अभी दिखाता नहीं लंबा हो जाएगा अच्छा लंबा हो जाएगा यहाँ पे खाना वाना बनेगा बोलिए और रिसेप्शन वगैरह यहाँ होगा इसको क्या बनाया इसका क्या यूज रहेगा ए भी कौन है दोनों में हाँ, करेंगे हाँ, एक घर में अच्छा अच्छा गाइस वेलकम बैक टू माय तो फिलहाल तो अभी बजे हैं दोपहर के एक और मैं आ रहा हूँ मेरे ससुराल से। आज झरना के दादाजी का देहांत हो गया, काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे, बोलिए इलाज वगैरह काफ़ी दिन से चल रहा था पर बीमारी ऐसा था कि ठीक होने का नाम ही नहीं लिया। बहुत इलाज करवा के देखे, कल लगभग वही साढ़े रात में 11:30 बजे लगभग 11:36 में उन्होंने अपना आखिरी सांस लिया। तो चलिए फिलहाल मैं घर के लिए निकल गया। 22 जनवरी को जो हम लोग रैली लगाए थे हर घर में झंडा, वो झंडा अभी भी देखिए। उस दिन तो पूरा हर घर से निकल निकल के देख रहे थे, कैसे भी ना देखे इतना जबरदस्त रैली जो था। फिलहाल आप दर्शन करें हमारे श्री राम मंदिर का। वैसे गाइस पहले के मुकाबले जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे बोले उस समय तो उतना भीड़ भाड़ हम लोग को नहीं दिखता था, पर आजकल तो दिनों दिन वैसे भी जनसंख्या बढ़ ही रहा है तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा आजकल हो जाता है यहाँ। थोड़ा भी जैसे एक आध गाड़ी भी रुक जाए तो पूरा ट्रैफिक जाम। ये जिसने भी लगाया है गजब लगाया है, देखिए वाव क्या गजब लग रहा है। इधर भी देखिए हर घर में वाव। सैटरडे है तो छुट्टी हो गया बच्चे लोग का, चलिए मजा है। हम लोग के टाइम में सोमवार को ही मिलता था और बहुत सी जगहों में सैटरडे को मिलता था बोले, पर हम लोग को नहीं मिलता था। यहाँ का चर्च को तो एक बार मैं आपको दिखाया था जब मैं गया था, उस समय बना ही रहे थे, अभी शायद कंप्लीट हो गया, कोई भी घुस सकता है। बच्चे लोग फिलहाल जा रहे हैं, यहाँ देखिए घर वर मजा हो गया ये लोग का। अब हम लोग मैं पढ़ता था शिशु मंदिर में बोलिए, तो हम लोग ज्यादातर कभी कभार ही जैसे बाइक वाइक या पापा उपा के साथ जाते थे, नहीं तो अधिकतर हम लोग का मेन डेली बस ही में आने जाना होता था बोलिए। जैसे बस तो रहने से भी बच्चे लोग को जल्दी से बैठाते नहीं थे, पता नहीं क्यों, शायद रेट हम लोग 2 रुपए में आना जाना करते थे, मतलब जाते टाइम 2 रुपया और आते टाइम 2 रुपया, शायद इसीलिए पैसा ज्यादा नहीं देते हैं बोलते होंगे। तो हम लोग को काफी लंबा वेट करना पड़ता था बोलिए, कि चलिए एक बस छूट गया तो दूसरा, फिर हम लोग को लगे रहता था आस कि चलिए ये वाला तो रुकेगा करके, पर हम लोग को कन्फर्म नहीं रहता था कि रुकेगा करके, बाकी रुक ही जाता था। हम लोग टाइम से पहुंच ही जाते थे, 2-3 बस जाता था उसी टाइम में, कोई 9 बजे कोई 9:30 बजे कोई 10 बजे इस टाइप का। कोई भी आजकल तो बाइक वगैरह में ही ज्यादातर बच्चे लोग को देखते होंगे आने जाना, पर हमारे टाइम में हम लोग को अलाउ नहीं करते थे घर वाले बाइक में जाने के लिए, साइकिल में जाते थे बस तक, फिर वहां से बस में आते थे। नमस्कार हो, जगह सब ठंडा लागल ने तुम्हारे, जगह गर्मी नहीं लागल? गर्मी तो नहीं लागे, वो अभी वो साइड बना होता है करू ठंडा लागे। कौन जगह वो साइड में बने फिर किसे दाग है ना ये, नहीं ये पत्ता इच का सन है। का पत्ता का थैला तो बंगला पत्ता है। का पत्ता हलो से पान में दो प्रकार के पान होते है, बंगला पत्ता आऊ मीठा पत्ता आओ एक प्रकार का है। अरे एक प्रकार करे होते लेकिन वो करे उज नहीं है। का नाम है ओकर? माने वो पत्ता है मोरो जगहला। का नाम कथे होला ओला? माने वो नाम ला तो नहीं पता। उस दिन हमारे दादाजी लाए थे खाने के लिए, वो हमारे बुआ लोग के यहाँ शायद उसको लगाए हैं। अच्छा। क्या का नाम के हिंदा में भूला जाए वाला नाम तो नोला भी पता नहीं है कहा। बाकी है तीन प्रकार का ना, तीन प्रकार के पान है। तो इसमें फंसते हैं कि नहीं? इसमें हमारे गुपचुप वाला भी चलता है तगड़ा, आइएगा कभी खाइएगा इनके पास, जबरदस्त टेस्ट है इनका भी। मैंने एक बार बताया था आपको वहाँ किलकिला में जब मैं गया था तो मुंबई से जो सीख के हैं कल मिले थे वो मेरे को। अच्छा। तो यार वीडियो आपका देख के आ रहे हैं ग्राहक, ऐसे बोल रहे शायद हमारे सब्सक्राइबर लोग, हमारे वीडियो ला जोन जोन देखिन ते मन गई नौकर जा। अच्छा। तो मुंबई ले सीख के ऐसा है ना गुपचुप बनाए, गुपचुप बनाए के तो मस्त टेस्ट लागे। अच्छा। तारीफ भी करत रहे इनकी का। तो वैसे ही ये तो मुंबई से नहीं सीख के आए हैं, बाकी पता ही नहीं कौन है ना। नहीं बाहर कहीं गया होगा सीखने के लिए। कैसे दे रहे हैं भैया मीरा? किसे कहाँ ले लाना था अपना? हाँ कोई सा भी 100 का है, 100 का 5 सामान रहता है इसमें,
मतलब 100 में 5 पीस दे रहे हैं। 5 पीस दर्पण नहीं है, एक पीस शीशा और इसके साथ में चार वो प्लास्टिक का सामान है, टोकरी है, मग्गा है, 100 रुपए में। हाँ, चाय छन्नी है। अच्छा, ऑफर में दे रहे हैं बाकी को। ना बढ़िया तो है, 100 रुपया में एहर देता है कि का ले, चाय छन्नी टोकरी उकरी सब है एक साथ में। एक तो तुम्हारे भीतरी में रखना चाहिए। क्या क्या रखे हैं? ये सब अलग से देते हैं? वही सामान है ना। अच्छा, ये सब पूरा देंगे? अच्छा, ये मान लो सब ला दही की का। ये दे चौकरी, ये फिर मिरर 100 रुपया में, 1, 2, 3, 4 कंघी फंघी सब, बस क्रीम पाउडर छोड़ के ना चाचा। हमारे एक बड़ा मिल गए हमें। चले, इनका गाड़ी चोरी हो गया था बीच में। अभी किसे बड़ा? राम राम। राम राम। तोर मिली गाड़ी? ओ गवाए रिश्ते रिपोर्ट उपोर्ट किए कि नहीं थाना में? नहीं करल, पता नहीं चलिस। करना था लेकिन गाड़ी नंबर वगैरह नहीं था क्या उसमें? ये तो तेल आने से गया। बस हुआ है, मस्त है ना कलर, लेकिन छाटे जान था सुना है तो सारा ले फ्री में देस। अब गाड़ी में तो लादक नहीं बने, नहीं ले लदवा दे रहते। आई हो दन रेंग के? ठीक, बड़ी है हमारी। आई आ रहा है, आगे लड़ा है बॉस। कहीं गई थी लू छोटिया? आप सब बढ़िया? पोटिया तो जियो घर को। नमस्कार, आपका वो वाला सर्कस को एक बार दिखा दीजिए, हाथ वाला। हाथ वाला? हाँ हाँ, देखिए ये पहले सर्कस दिखा देते, गायब हो जाएगा अभी ना। चलो दिखाइए। नहीं दिख रहा है जी, आ रहा हूँ, रुके वहीं पे, इनसे मिलाता हूँ। ये पहले सर्कस वगैरह दिखाते थे, चलिए दिखा दीजिए आज हमारे YouTube फैमिली को एक आप। ये देखिए, ये गायब हो जाएगा अभी, दिखाता नहीं, लंबा हो जाएगा। अच्छा, लंबा हो जाएगा, चलिए दिखाइए। देखिए कौन कौन सा दिखाते थे वैसे आपके जमाने में? आप कई ठो दिखाते थे, जैसे कि कैसे जैसे कैसे दूर से लिखना। मतलब दूर से लिखते थे तो पास से लिखा जाता था? लिखा जाता था, दूर से मिटा देते थे। हाँ, और उसके बाद में पत्थर खोड़ करते थे, कबूतर भी माने जिंदा निकालते थे। ये सब आप पाले रहते थे घर में? कलकत्ता जाता ना तो सब आइटम ले लाता। अभी भी दिखा? अभी भी दिखा दूंगा। और जिंदा मतलब मुर्दा को जिंदा भी कर देते? उस टाइप को दो टुकड़ा कर देता हूँ, उसके बाद जिंदा कर देते थे। अभी भी सक देते? अभी भी सक दूंगा। तो काहे छोड़ दिए? छोड़ दिया हूँ जी, बीच में अटक गया तो छोड़ दिया, भाई लोग गड़बड़ कर दिए मेरे को। बहुत बड़े मैजिशियन थे, बोलिए। चलिए, क्यों कर बु गाय आते? पहले आप कितना देते थे लगभग, दिखाते थे तो मान के चलिए 4, 8, 25 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा। अभी सीधा 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए भी मिलेगा आपको। 10 रुपए तो मिलेगा, आप स्टार्ट कीजिए कलकत्ता जाके। चलिए, घर पहुंच गया, यहाँ पे उन्हें मस्त सो रहे हैं, उठता है कि नहीं देखते हैं, टच करके देखते हैं। जान गया कैसे बेंद्री, इसके में दाग लग गया ये साला। उस दिन वो डाई को पकड़ा था मैं तो उछाल दिया, सब पूरा साइड फैल गया, फिर चाटा तो पूरा इधर उधर को चाट दिया तो हो गया, छूट नहीं रहा, इसको काटना पड़ेगा लग रहा है। चलिए थोड़ा सा दही ले जाते हैं ब्रोनी के लिए, पानी में मिक्स करके दे देंगे, गर्मी काफी ज्यादा है आज। चलिए तो चीज में निकालते हैं इसको, इतना तो काफी है। चलो ब्रोनी पीछे चलो, पीछे चलो, पीना है कि नहीं? बैठ, चल चल बैठ, स्टे, पानी है, ये पानी है यार, रुक स्टे, रुक जा, पानी है, पीछे चल, पीछे चल, नहीं तो नहीं दूंगा स्टे। चल उसको पूरा खा, पूरा खा लेगा ये, थोड़ा सा इसको चाट देना ना, ले चाट। गाइस फिलहाल हम आए हैं थोड़ा सा हमारे दूल्हे राजा लोग के यहाँ, इन्हीं के यहाँ शादी होने वाला है। चलिए तैयारी वारी कितना हो गया है देखेंगे, मम्मी लोग सब उतर चुके हैं, बोलिए रंग पेंट वगैरह तो पूरा चिकमिका रहा है, पूरा तैयारी हो गया। हाँ, उस दिन हम लोग जो देखे थे फूल, ये तो फूल भी निकलने लगा इसमें, वाह क्या चल रहा है। आई तैयारी हो गया कि हो गया?
क्या कर रहे हैं इसको? कौन बना रहे? अच्छा इसी में वो करेंगे ये वो ये ठीक करवे? अच्छा लास्ट दिनों ने। अच्छा जब शादी वादी दुल्हन उल्हन हम लोग ले लाएंगे उस समय एक होता है गवन हम लोग के यहाँ, तो अपने जहाँ उन्हीं लोग के रूम में तो करते हैं ना वो दूल्हे लोग के रूम में। तो चले फर्श वर्श में ना लगे इसलिए देखिए इसको मिट्टी का आकार दी है हमारी बुआ। कितना दिन में बना दिए इसको? एक ही दिन में। तो सारा तैयारी हो गया आई? हाँ हो ही गया है पूरा, साफ सफाई से लेकर छिलई उलई सब यही करेंगे आशीर्वाद समारोह को। ठीक है बहुत बड़ा जगह है। और खाना पीना किधर बनेगा? वहाँ। अच्छा वहाँ पे ना, चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं। चलिए यहाँ पे खाना वाना बनेगा बोलिए, और रिसेप्शन वगैरह यहाँ होगा और नचई वचई यहाँ पे थोड़ा सा छोटा जगह है इसलिए बाहर करेंगे, वहाँ टेंट वेंट लगेगा। बाकी ये बहुत बड़ा जगह है खाना पीना के लिए, सारा सुविधा है यहाँ पे। लकड़ी उकड़ी का गैस वैस में भी बनाएंगे और लकड़ी में भी मिक्स बनेगा, फटाफट वाला काम चलता है उस दिन। तो यहाँ से गेट, यहाँ से नहीं उस सामने से उधर से आना जाना होगा, यहाँ से ऐसे पूरा साफ सफाई कंप्लीट हो चुका है। यहाँ साग भाजी लगाए थे इनके यहाँ, बारह महीना कुछ ना कुछ सब्जी भाजी लगे ही रहता है। तो अभी तो शादी विवाह होगा तो पूरा उखाड़ के फेंक दिए लग रहा है। अच्छा उस साइड है क्या क्या लगाए हैं तो दादी? प्याज है और सरसों का है, भाजी भाटा है, सारा मिल जाएगा आपको। ये लोग अब शुरू से ही हम लोग के वहाँ पुराना घर में रहते थे तो साग भाजी वगैरह हम लोग सब लगाते थे। तो चलिए एक हिसाब से राखड़ वाखड़ कम दे के घरेलू खाना ज्यादा थोड़े दियो, राखड़ बिना राखड़ वाला है एकदम खोतरो खाली। तो इसमें बस गोबर खाद का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कुछ इतना है, ये तो एड़ा बूढ़े ही गोला एड़ा तिकीदा करबो तहा। अच्छा ये सरसों निकल जाएगा ना। यहाँ देखिए प्याज भी लगाए हैं लोग, मस्त खेती हुआ है। और हमारी चंचल सिस्टर लोग भी लगाए हैं, कुंदरू भी है, मतलब सारा चीज है। और इधर क्या लगाए हैं? अच्छा गाजर भी, गाजर का हलवा खिलाएंगे बराती, बराती बोलता हूँ शादी में आए हुए मेहमान लोग को। सब है ये देखिए, ये हमारी चंचल सिस्टर लोग का भी घर लगे लगाया है इस साइड वाला चंचल सिस्टर, इस साइड हमारे चुन्नू भाई जिसका अभी शादी होने वाला है, तीनों भी बहुत सारा साग भाजी लगाए हैं। देखिए वाह पूरा बहुत बड़ा जगह है। तो प्याज लगभग कितना दिन में हो जाएगा दादी? एक दो मास लगे, वो दो महीना लगभग लगेगा बोल रहे हैं। उसके बाद आलू वगैरह नहीं लगाए आलू? इधर से चलते हैं देखते देखते। देखिए हम लोग तो यादव हैं, तो हमारे पूर्वजों से ही गाय का पालन वगैरह होता है। तो ये सब हम लोग कंडा उंडा बना के गोबर का, इसी में हम लोग अपना चूल्हा में आग लगा के खाना बनाते हैं। बोलिए ये क्या है? नींबू भी है और ये कटहल है। तो ये कैसे मर जा रहा है? इसको लकवा उकवा थोड़े मारा है? हाँ है ली है बट जो तीन तेल वो बहुत सारा लकड़ी है, पर्याप्त है, दो ठो शादी हो जाएगा लग रहा है। ए इतना लकड़ी में दो ठो शादी हो जाएगा? हाँ गैस वैस का भी करेंगे ना, गैस रही थी वो। हो गया रेडी की? हाँ रेडी हो गया। इसको क्या बनाया है, इसका क्या यूज रहेगा? ए भी कुंड है, दोनों में करेंगे है? अच्छा अच्छा ये हमारे जहाँ किचन के लिए है मंगल हाड़ी। अच्छा उसी दिन से मतलब दूल्हे राजा को घर से निकलना वर्जित हो जाता है उस दिन के बाद, कहीं खेत में नड़तुरे जाने के दिनों को ना तेल दिन मंगल हाड़ी रस्म बोल के होता है। मेरे में जैसे हुआ था अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, मंगल हाड़ी आज से घर से निकलना वर्जित करके मैं डाला था। तो इसी कुंड में करेंगे स्वाहा स्वाहा और इसमें मंगल छी गौन के लिए नहीं। और ये तो चूल्हा वगैरह है, आप जानते हैं बनाने चूल्हा? जानते हैं सब जानते हैं लोग ना। ये पूछूंगा पूछूंगा बोलता हूँ आपको, ये कौन सा फूल है? मंदार टाइप का तो दिख रहा है, हाँ बाकी वैसी है हम लोग के वहाँ पे था घर के पीछे साइड एक तो पेड़। चलिए हमें बेर मिल गया, देखिए सीजन का पहला बेर, सीजन में तो हो गया है बाकी मैं पहली बार खा रहा हूँ इस सीजन में बोलिए।
पहले तो हम लोग पत्थर में, एक साइड पत्थर रहता था और एक साइड बेर भर के लाते थे। अब बाएं चले हम लोग सीधे घर आ गए और अभी तो रात भी हो रहा है। मैं अपना काम धाम निपटा के आ गया घर और आज फिर से बना है पनीर। वैसे कई लोग के मन में सवाल ये जरूर उठ रहा होगा कि लोग रोज रोज पनीर कैसे बनाते हैं, तो इसका भी एक रीजन है। अभी अभी हमारा गाय का बछड़ा एक हुआ है बुलिया और बहुत ज्यादा दूध दे रही थी, वो लगभग 7-8 लीटर दे रही थी ना मम्मी, तो हम लोग उतना दूध को खाने नहीं सके इसलिए उसको बेच भी दिए, तो बहुत सारा बना के रखे हैं उसी को खा रहे हैं बोलिए। तो उसके बदला में हम लोग 2-3 लीटर दूध वाला खोज रहे हैं, पता लगा रहे हैं। चिप्स खाएगा? कैच, इसको बहुत ज्यादा पसंद है चिप्स। कैच, गुड। तो गाइस चलिए वीडियो को एंड करने का भी समय हो गया है, काफी रात भी हो गया है। तो उम्मीद है आज का वीडियो देख के आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। बाय, गुड नाइट।